हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल विजेटिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसे कि पता ही होगा कि यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर के यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर इंटर्नशिप के। तो दोस्तों, स्कूल किस तरीके से फिल करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आ जाना होगा साला दर्पण की मेल वेबसाइट पर। इसके बाद में जैसे कि आपको क्या करना होगा, कैंडिडेट लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे कैंडिडेट लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक करते हो, आपके सामने कैंडिडेट लॉगिन करने के लिए आपके पास में आईडी पासवर्ड यहाँ पर मांगे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक आईडी पासवर्ड यहाँ पर नहीं बनाया तो दोस्तों पिछला वीडियो देख लीजिए, मैंने उसमें पूरा यहाँ पर बताया है कि आईडी पासवर्ड किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दी है, किस तरीके से आईडी पासवर्ड बनाने हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपकी आईडी पासवर्ड जो भी है वो यहाँ पर डाल देना होगा। आईडी पासवर्ड डालने के बाद में आपको जो भी यहाँ पर जैसे पासवर्ड यहाँ पर डाल लेता हूँ, पासवर्ड यहाँ पर डालने के बाद में आपको क्या करना होगा, कैप्चर कोड नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो मैं एक कैप्चर कोड नंबर भी यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। कैप्चर कोड नंबर फिलअप करने के बाद में लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे लॉगिन यहाँ पर आप हो जाते हो इंटर्नशिप पोर्टल पर, तो आपके सामने इस तरीके का यहाँ पर पोर्टल यहाँ पर सामने ओपन होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे सामने इस तरीके का यहाँ पर पोर्टल हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा, कैंडिडेट पर जाना होगा और इंटर्नशिप रिक्वेस्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप अपनी प्रोफाइल भी यहाँ पर चेक कर सकते हो, या फिर आप अपनी इंटर्नशिप रिक्वेस्ट पर यहाँ पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद में आप देख सकते हो आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके जेंडर, कोर्स, आपको सब कुछ यहाँ पर एडमिशन सेशन आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि 2020-21 है। यहाँ पर आप अगर बीएड फर्स्ट ईयर से हो तो 2020-21 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में सर्च पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने आपकी कैंडिडेट की यहाँ पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर इंटर्नशिप राउंड आपको फर्स्ट दिया गया है। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट राउंड में जितने भी स्कूल हैं उनमें से लिस्ट आपको बनानी है। बनाने के बाद में आपको यहाँ पर अपडेट कर देना होगा, यानी आपको स्कूल यहाँ पर अपडेट कर देना होगा। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो 15 अगस्त को यहाँ पर नोट सबमिटेड यहाँ पर फॉर्म बताया गया है, तो यहाँ पर आप सभी के लिए दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी लेट हो गया था इस वजह से ये ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, अपडेट प्रेफरेंस पर आपको जाना होगा। इसके बाद में आपकी स्कूल मांगी जाएगी, स्कूल के बाद में आपको फॉर्म फिल स्कूल फिल करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अपडेट प्रेफरेंस पर जाना होगा और उसके बाद में स्कूल फिल करनी होगी। तो पूरा प्रोसेस चलिए हम बताते हैं किस तरीके से स्कूल फिल करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों आपको अपडेट प्रेफरेंस पर यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपके सामने न्यू पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो आपको यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर इंट्रैक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर इसकी नोटिस यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि आपको कम से कम आपको 15 स्कूल यहाँ पर फिल करने होंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपके यहाँ पर सेशन आप देख सकते हो, एडमिशन सेशन 2020-21 आ चुका है, कोर्स आ चुका है, इंटर्नशिप ईयर यहाँ पर आ चुकी है, राउंड यहाँ पर देख सकते तो अगस्त सितंबर यानी दिसंबर तक। इसके बाद में गो पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे गो पर क्लिक करते हो आपके सामने इस तरीके का पेज यहाँ पर सामने ओपन हो जाता है, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम यहाँ पर आ जाएगा। फिल स्कूल पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने अभी यहाँ पर आ जाती है कि आपको स्कूल कौन कौन सी आपको फिलअप करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी आपकी स्कूल यहाँ पर फिल है वो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। आई होप आपको सब कुछ यहाँ पर सब कुछ समझ में आ चुका होगा। जैसा कि गाइस मैंने यहाँ पर फिल कर लिया था पहले, तो गाइस आपको क्या करना होगा, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट पर जाना होगा। डिस्ट्रिक्ट पर जाने के बाद में आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। इसके बाद में जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ली, ब्लॉक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद में आपको जैसे कि ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद में आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना होगा। आपको जैसे कि ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपके स्कूल यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि मैंने ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद में आपकी स्कूल लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, सभी को यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर सेलेक्ट करते जाना है और आपको यहाँ पर ऐड कर लेना होगा। तो गाइस जैसे कि ऐसे करके मैंने पूरी यहाँ पर टोटल ऐड कर रखी है, तो आप भी क्या करना होगा, आपको भी ऐड कर लेना होगा। इसके बाद में आप सेव कर सकते हो, लास्ट में जैसे ही सेव करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया, यानी मैंने आपको क्या करना होगा, बैग जाना होगा और आपको भी देख लेना होगा कि आपका यहाँ पर सेव हो चुका है या नहीं हुआ। उसके लिए आपको वापस बैग जाना होगा, डबल बार क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर
आ जाने के बाद में सर्च पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि 15 अगस्त को आपने यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो गाइस ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा सब कुछ मैंने बता दिया है, कहाँ से स्कूल लिस्ट करनी होगी, आप वहाँ से चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हो किसी भी स्कूल को जो भी डिलीट करना चाहो या फिर क्रम बदलना चाहो तो वो भी कर सकते हो। आपको क्या करना होगा वापस से आ जाना होगा, आके आपको जो भी क्रम बदलना हो आप अप डाउन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आप क्रम वाइज चेंज कर सकते हो, सभी डाटा आप सब कुछ आप चेंजेज कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।